चलिए जानते हैं उस फिल्म के बारे में जिसमें हीरो से ज्यादा खलनायक के हुए थे चर्चे। फिल्म तानाजी द अनसिंग वॉरियर साल 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अजय देवगन ने मराठा वीर योद्धा तानाजी मालुसरे का रोल निभाया था, तो सैफ अली खान खलनायक उदय भान सिंह के किरदार में दिखे थे। फिल्म ने उस साल सबसे ज्यादा कमाई की थी। ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक अजय देवगन से ज्यादा सैफ की खलनायकी की तारीफें की थी। फिल्म में उदय भान सिंह राठौड़ का किरदार सैफ से बेहतर कोई नहीं निभा सकता था। तानाजी साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। तानाजी में अजय देवगन के साथ काजोल की जोड़ी नजर आई थी। 12 साल बाद दोनों सितारों ने साथ स्क्रीन शेयर की थी। फिल्म में आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं।